आर के सिंह, वो इतना अधिक काम किए हैं क्षेत्र में कि उनको वोट देना क्या सब आदमी का कर्तव्य। गायक हैं पवन सिंह, वो भी आने वाले हैं मैदान में। ना उनका यहाँ कोई वजूद नहीं है, इनके काम के आगे सब फेल हैं। जो चर्चा है राजनीतिक गलियारे में तो पवन सिंह कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि पवन सिंह के पास युवा वोटर, युवा ये कौन वोटर है हमको बताइए ना, कौन युवा वोटर उनके पास। इलेक्शन कमीशन के द्वारा लोकसभा 2024 के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद से राजनीतिक सरगर्मी सूबे में काफी तेजी से बढ़ गया है। आज हम आरा में हैं और हमारे साथ कुछ आरा के लोग हैं, आज उनसे जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन के जो लोकसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान किया गया है उसको बाद उनके मन में क्या चल रहा है, राजनीतिक हलचल उनके बीच कैसा है, ये आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं हम सीधे कैमरे की नज़र से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग मतदाता भी हैं और ये सारे लोग जो हैं ये आरा के हैं। और अभी हम जो है वो फिलहाल आरा के रमना मैदान में हैं, कुछ लोग टहल भी रहे हैं और टहलने के साथ आज राजनीति के मूड का मिजाज भी हम समझेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका चाचा? हमारा नाम विश्वनाथ सिंह है। अच्छा, आज से इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव की तारीख का घोषणा कर दिया गया है लोकसभा का, कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग उत्साहित हैं बहुत वोट देने के लिए, मौका मिलेगा। अच्छा, मौका मिलेगा तो आप वोट दीजिएगा? हाँ देंगे, मौका तो मिला ही है, अधिकार तो है ही वोट देने का। अच्छा ये बताइए कि किस तरह का राजनीतिक मिजाज चल रहा है, चूंकि अभी दो बड़ी पार्टियां जो है एनडीए और इंडिया गठबंधन। अरे हम लोगों के जो एमपी हैं आर के सिंह, वो इतना अधिक काम किए हैं क्षेत्र में कि उनको वोट देना क्या सब आदमी का कर्तव्य बनता है कि हम वैसे प्रतिनिधि को चुन कर दिल्ली भेजें। इस बार मूड बना लिए हैं आप लोग पहले से? नाम 16 है ना, हम लोग मन बनाए हैं कि उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, ऐसा चर्चा भी हो रहा है कि उनके खिलाफ में जो गायक हैं पवन सिंह, वो भी आने वाले हैं मैदान में। ना उनका यहाँ कोई वजूद नहीं है, इनके काम के आगे सब फेल हैं। अरे काम अच्छा किए? बहुत अच्छा काम किए हैं, सारा दिखाई दे रहा है। क्या किए? क्या? अरे आरा स्टेशन का इतना विकास किए हैं, पुल 6 लाइन जो 6 लेन पुल बना कोइलोर में बनवाए, यहाँ सिन्हा घाट पर जो है रिवर फ्रंट बनवाए मौली घाट से लेकर सिन्हा तक हैं, रेल सब यहाँ बड़े बड़े गाड़ियों का रुकवाने का हुआ, नया नया रेल गाड़ी खुलने का काम किए। लेकिन ऐसा है चचा कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें कई पार्टियाँ जो है वो एक साथ आ रही है, तो क्या लग रहा है? प्रचार है यहाँ तो अजमाया हुआ है, दूसरा बार तीसरे बार भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई शंका संदेह नहीं है। आप क्या कहेंगे चुनाव की तारीख का ऐलान? बहुत 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 अच्छा, समय पर हम लोग वोट देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ के जनता का मिजाज क्या है, आपका मिजाज क्या है? बहुत अच्छा मिजाज है, राजनीतिक माहौल में गुल मिल गया। जी जी जी, हम लोग आर के सिंह के समर्थक हैं। अच्छा, सातवें चरण में आरा का जो चुनाव है उसको सातवें चरण में रखा गया है। बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, सबसे आखिरी में। हाँ हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है, सातवें चरण में भी है तो अच्छा है। चलिए, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए कैसा लग रहा है चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया लोकसभा चुनाव का? बहुत खुशी लग रहा है हमको कि आर के सिंह को पुनः हम लोग यहाँ के भारी बहुमत से संसद बना के केंद्र में भेजे, और फिर वो मंत्री बने कि आरा का और पूरा भारत का विकास हो। क्यों आर के सिंह ही क्यों, और कोई क्यों नहीं? और आर के सिंह का काम लौक रहा है, इसके पहले भी यहाँ संसद लोग थे, यहाँ क्या हुआ है? एगो पुल था, एगो रोड था, एगो ट्रेन यहाँ रुकती थी, पूरे सारी ट्रेन पटना से यहाँ आ गई आरा के लिए, तो हम लोग अब दूसरा को क्यों देंगे? लेकिन उनके खिलाफ में चुनावी मैदान में पवन सिंह के आने की सूचना? पवन सिंह की मैदान में बहुत अंतर है, बहुत आकाश और जमीन का अंतर है। तो सुपर स्टार है पवन सिंह? पवन सिंह सुपर स्टार है, हीरो है वो, लेकिन राजनीतिक में और ये गाना नहीं ना गाना है, ये राजनीति के हीरो है। तो राजनीति के आप लोग तो बड़का महाज्ञानी है, आप लोग से हम लोग क्या कह सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने मन का बात आपसे कह रहे हैं। जी हाँ, साफ तौर पे आप सुन सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो वर्तमान सांसद पे ही अपना ये कर रहे हैं। चाचा आप क्या कहेंगे? कौन चाहिए
क्या कहेंगे, चुनाव के ऐलान हो गया है? चुनाव का हम लोग आर के सिंह को वोट देते हैं हमेशा, हम उन्हीं को देंगे इस बार भी, इन्हीं को। हाँ उन्हीं को। अच्छा क्यों क्यों इनको देंगे आप? वो बहुत विकास का काम करते हैं। विकास का देख नहीं रहे रामला में सब, उन्हीं का देन है सब। अच्छा ये अक्सर ऐसा होता है कि चुनाव में जातिगत आधार पे लोग बट जाते हैं, तो इस बार भी ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है, आरके सिंह को सब लोग सब कास्ट देगा वोट। विकास के मुद्दे पे ही आप लोग वोट? विकास का मुद्दा देख नहीं रहे हैं, बहुत काम किए हैं वो, यहाँ से मौली घाट से यहाँ सब सब फोन लाइन बना रहे हैं, उन्हीं का सब लेना है। जी हाँ, आप यहाँ के जो मतदाता हैं उनके अंदर क्या चल रहा है इसको हम आपके सामने दिखाने की कोशिश करें। जी क्या कहेंगे? राजद का वोट नहीं है। अच्छा राजद का वोट नहीं है, लेकिन इसके पहले तो जो भाकपा माले के उम्मीदवार थे। अच्छा पहले जो हुआ हुआ, अभी नहीं है, अभी माहौल अच्छा नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी तो यात्रा कर रहे, कह रहे हैं कि हम क्या क्या राहुल जी यात्रा एक कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जी हाँ, लोग जो हैं वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आप बताइए, आप भी यहाँ के युवा हैं और युवा पत्रकार भी हैं, क्या कहेंगे आप? जो चुनाव का जो तारीख ऐलान हुआ है थोड़ा सा लंबा हुआ है, बिहार का अंतिम चरण में है, जो सातवें चरण में है। देखिए चुनाव में कई अहम मुद्दे हैं, रहा सवाल आपका जो क्वेश्चन वहाँ से आ रहा है कि प्रत्याशी, तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पवन सिंह का आपने क्वेश्चन रखा, तो पवन सिंह ने जिस तरीके से आसनसोल से टिकट ठुकराया, तो एक तरीके से पार्टी का उन्होंने अपमान किया। और यहाँ से जो आपके सांसद जो आर के सिंह है, उनको यहाँ से एक बार फिर टिकट मिले तो फिर वो विकास अपना जो कार्य कर तो लगातार बढ़ ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कुछ जो अभी जो चर्चा है राजनीतिक गलियारे में, तो पवन सिंह कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि पवन सिंह के पास युवा वोटर, युवा ये कौन वोटर है हमको बताइए ना, कौन युवा वोटर उनके पास? खाली रील्स बनाने पर वोटर, वो वोटर नहीं है वो, क्योंकि सब कोई आज के समय में जान गया भैया यहाँ एक तबका ऐसा भी है जो कि विधानसभा में भले वो बीजेपी को वोट ना करे, लेकिन लोकसभा में बीजेपी के आर के सिंह को वोट करता है। ये बात स्पष्ट है, कोई भी आ जाए टक्कर तो उनको आर के सिंह से लेना पड़ेगा, क्योंकि जो विकास का कार्य है पूरे देश भर में दिखाई देता है। जो भारत आरा और भोजपुर के लोग जहाँ जहाँ कहीं कहीं कुछ बाकी रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से एकदम जो कार्य किए वो सफल रहा है, कहीं कहीं उनके कार्य अधूरे भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो दिखता है वो बिकता है, आप भी जानते हैं। और रहा सवाल पवन सिंह का, तो कहीं नहीं है भाई, क्योंकि वो पहले अपने निजी ज़िंदगी को सही तरीके से संभाले, तब राजनीति की बागडोर वो संभालेंगे। अच्छा ये कहा जा रहा है कि अंतिम आखिरी चरण में आरा का जो है वो आरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव होगा, तो क्या बहुत ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत लंबा जा रहा है? लंबा तो हो गया है, बहुत बहुत लंबा हो गया, क्योंकि उस समय हीट वेव का भी समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग के लिए काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। चुनाव का जो है बहुत अंतिम चरण में जाने से बहुत सा परेशानी तो बढ़ेगा, देखिए क्या होता है अभी अंतिम चरण में। आप क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं? अच्छा ये बताइए, कौन आपके नज़र में सही है, जो जिसको आप चाहते हैं कि हाँ वोट करें? विकास हुआ है आरा में आर के सिंह के तो? अच्छा आरा में विकास हुआ है कि नहीं? हाँ हुआ है। क्या क्या हुआ है आपके नज़र में बताइए? सब रमना में बन गया। अच्छा युवाओं के नौकरी को लेके क्या आपके मन में है, पूरा हुआ है कुछ सपना? हाँ हुआ है। जी हाँ साफ तौर पे हम कहना चाहते हैं, जिस तरीके से यहाँ वोटरों का रुझान जो है काफ़ी बदला है, क्योंकि थोड़ा सा लोगों में शिक्षा का अलग जगह है, पहले से लोग समझ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जातिवाद से भी हटके यहाँ बात हम करेंगे, क्योंकि लास्ट समय पर जातिवाद की बात हो जाती है यहाँ बिहार के चुनाव में, ये देखा जाता है। लेकिन इस बार यहाँ जो लोकसभा चुनाव है उसमें ये देखने को नहीं मिलेगा कोई। अब आप अन्य जो पिछले बार अन्य जो कैंडिडेट थे वो देखिए कहाँ है, इस बार देखिए आर के सिंह का टिकट मिलता है तो उनके लिए तो सभी लोग खुले दिल से तैयार है वोट करने के लिए। जी हाँ साफ तौर पर जो यहाँ के युवा पत्रकार साथी और भी हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए कहने का मतलब है कि चुनाव हमारा जो तारीखों का ऐलान हुआ है सबसे अंत में है, और कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, तो हम लोग चुनाव का शंखनाद नहीं किए, लेकिन हम लोग जीत का शंखनाद आरा से करेंगे। और जिस तरह से जाहिर सी बात है कि आरा में सांसद जो आर के सिंह हैं, उन्होंने आरा ही नहीं बल्कि पूरे देश में बिजली के क्षेत्र में जो विकास किया है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और जहाँ तक हमारे भोजपुरी के इस पावर स्टार पवन सिंह की बात है, तो पवन सिंह गायकी में अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक धरातल पर किसी भी सामाजिक कार्यों में
हिस्सा नहीं लिया है, वो पार्टी पॉलिटिक्स में सिर्फ प्रचार करने के लिए नज़र आते हैं, ना कि किसी भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेते हैं। इसलिए यहाँ की जनता एक बार फिर मान चुकी है कि हम आर के सिंह को ही चुनेंगे। और जो यहाँ के अधूरे कार्य हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिस तरह से हमारा जो हमारे केंद्रीय मंत्री अगर ये चाहें तो आरा को आरा नहीं मतलब एक विदेश का शहर बना सकते हैं। लेकिन आर के सिंह तो कहें अभी कमी आर के सिंह नहीं, पवन सिंह ने तो दावा कर रहे हैं लगातार ट्विटर पे, वे ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे साथ जन समर्थन है। देखिए पवन सिंह की बात ही नहीं है, यहाँ के कई नेता ऐसे हैं जो अपना दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट हम होंगे, महागठबंधन के कैंडिडेट हम होंगे, तो होने से दावा करने से नहीं मिलता है। बीजेपी भी जानती है कि कौन हमें जीत दिला सकता है, कौन हमें ये सीट दिला सकता है, किसने कार्य किया है, और महागठबंधन भी जानता है कि आर के सिंह से टक्कर लेना है तो भाई किसको उतारेंगे मैदान में। तो ये पवन सिंह कहीं भी चर्चा में नहीं है, ये सिर्फ युवा पवन सिंह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इनके गाने पे ही रील बनाना है हमें। अच्छा आप युवा हैं, ये बताइए कि लोकसभा का चुनाव का ऐलान तो हो गया, कितना खुश नजर आ रहा है, क्या राजनीतिक माहौल चारों तरफ दिखाई दे रहा है? राजनीतिक माहौल तो पूरी तरह से एकदम अभी बढ़ चुका है। और बात करें युवाओं में काफ़ी जोश देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, हाँ सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि रोजगार का, तो रोजगार के सवाल पर इस बार बीजेपी को चाहिए कि कुछ बेहतरीन कदम उठाए जिससे आगे बढ़े। क्योंकि अगर बात करें हम बिहार विधानसभा चुनाव जिस तरह से अगले साल होंगे, लेकिन तेजस्वी जी अपना दावा कर रहे हैं, नीतीश जी अपना दावा कर रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, लेकिन आपने रोजगार दिया लेकिन रोजगार जिनको दिया उनको आप जो वेतन होता है वो कहाँ से देंगे, आपने कितनी इंडस्ट्री बैठाई इस पर आप बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है, तो रोजगार जिनको दिया उनको आप पैसा कहाँ से देंगे, इसके लिए भी आपको सोचना चाहिए था। यहाँ साफ तौर पे जो युवा हैं, जो युवा पत्रकार भी हैं कुछ लोग, उनका कहना है कि रोजगार तो आपने दिया लेकिन उन्हें वेतन कैसे दिया जाए, आप बताइए। जी बोलिए। चुनाव का ऐलान हो गया, घोषणा हो गई, अब क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है माहौल, कैसा है माहौल? तो सकारात्मक है, और हर चुनाव की भांति हम भारतीय जनता आशान्वित हैं कि हमारा उज्ज्वल भविष्य होगा, अच्छा भविष्य होगा, इसके लिए हम लोग 100% आशान्वित हैं। अच्छा एक बार आप चुनाव करते हैं 5 सालों तक, क्या लग रहा है कि आपने जिनका चुनाव किया था वो सही कार्य कर रहे हैं? जी हाँ, विशेष करके आरा संसदीय क्षेत्र से जो हमारे नेता हैं आर के सिंह, इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, बहुत ही बढ़िया लेवल पर प्रयास किया है, और हम तो यही चाहेंगे कि जिस तरह से कार्य इनका दिखा है हम लोगों के बीच में, हम आगे की बात भी हम अपनी उद्गार में कह रहा हूँ, मैं किसी को बाध्य नहीं करता हूँ, मेरी उद्गार यही है कि आगे का हमारे राज्य का मुख्यमंत्री हो तो आर के सिंह हो। अच्छा मुख्यमंत्री भी उनको आप सोच रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि इनमें वो कार्य करने की सारी आवश्यकता गुण है, आवश्यक गुण है, ये सब कुछ जानते हैं, हर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को बड़ी बढ़िया से समझते हैं, और अपना काम निकालना तो बाखूबी जानते हैं, इनके लिए सत सत बार प्रणाम इनको। जी हाँ, साफ तौर पर आरा की जो जनता है उसके मूड मिजाज को आपने समझा कि जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव के तारीखों का ऐलान किया गया तो आरा में राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी चढ़ गई है, और हर लोग राजनीति के रंग में सराबोर नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं उनके कार्य से खुश हैं, तो वहीं कुछ लोग इनके कार्य से असंतुष्ट भी नज़र आ रहे हैं। अब देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि लोकसभा के चुनाव में इस बार आरा की जनता आरा लोकसभा सीट से किसे चुनाव जिताती है। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा, बिहार तक।